हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग मिस्ट्री। इट माइट बी पॉसिबल कि मेरे बैकग्राउंड से आपको कुछ मैरिज का साउंड आ रहा होगा, बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रहा होगा, तो आज बार आप थोड़ा मैनेज कीजिए, साउंड को थोड़ा मैनेज कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ईयरफोन लगा के ये वीडियो देखिए और साथ ही भी हमारे भाई बंधु ECL के ही कैंडिडेट का है, जो पिछले बार माइनिंग सरदार ECL के एग्जाम में सेलेक्टेड हुए थे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेगुलेशन नंबर 71 आउटलेट फ्रॉम अ माइन। इस रेगुलेशन से हम टोटल 17 MCQ कवर करने जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो में आप बने रहिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन नंबर 71 आउटलेट फ्रॉम अ माइन। उससे पहले यदि अभी तक आपने रेगुलेशन नंबर 70 तक के MCQ को सॉल्व नहीं किया है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दे रहा हूँ, वहां से जाके 70 तक के MCQ को पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, सेट मार लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आके आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा, माइंस में पर्सन को इम्प्लॉय करने के लिए माइंस में कम से कम कितना आउटलेट होना चाहिए। आउटलेट मतलब अंदर से बाहर निकलने का कम से कम कितना रास्ते होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 2 रास्ता होना चाहिए अंदर से, माइंस से अंदर से बाहर निकलने का। और जो दोनों रास्ता है वो दोनों रास्ता अलग अलग रास्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइंस के अंदर से 2 अलग अलग रास्ता निकला लेकिन सरफेस पे आके वो एक ही रास्ता में मिल गया। दोनों अलग अलग सरफेस पे आके दोनों अलग अलग रास्ते में टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो दोनों आउटलेट है वो किसके सोल कंट्रोल में रहेगा। सोल कंट्रोल मतलब पूरा पूरी उसी पर्सन का कंट्रोल रहेगा उसमें। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी ओनर, ऑप्शन नंबर सी RIM, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। मैनेजर के सोल कंट्रोल में ही दोनों आउटलेट, जो भी 2 आउटलेट होगा, आइदर वो एक शाफ्ट हो या फिर इंक्लाइन हो, या 2 शाफ्ट हो या फिर 2 इंक्लाइन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 आउटलेट होना चाहिए। मींस ऑफ एक्सेस और इग्रेस कम से कम एक माइंस में 2 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2 आउटलेट्स मैनेजर के सोल कंट्रोल में नहीं रहने पर भी कौन एम्प्लॉयमेंट परमिट कर सकता है, मतलब माइंस के अंदर एम्प्लॉयमेंट कौन परमिट कर सकता है यदि जो 2 आउटलेट है वो मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है फिर भी। ऑप्शन नंबर ए ओनर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर, और ऑप्शन नंबर डी यहां पे आइदर नहीं, यहां पे होगा नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन। इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, CIM सर जो है वो एम्प्लॉयमेंट परमिट कर सकते हैं अगर 2 आउटलेट मैनेजर के सोल कंट्रोल में नहीं है फिर भी। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं, 2 आउटलेट नहीं भी होने पे रेस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ पर्सन को माइंस के अंदर जाने का परमिशन कौन दे सकता है। इस रेगुलेशन को आप पहले पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जब तक 2 आउटलेट नहीं होगा माइंस के अंदर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। तो कौन ऐसा पर्सन है जो माइंस के अंदर रिस्ट्रिक्टेड पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है इन केस की अगर 2 आउटलेट नहीं है फिर भी। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CIM साहब जो है परमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अब CIM साहब परमिट तो कर दिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, किस कंडीशन में बिना 2 एग्जिट के भी पर्सन को एम्प्लॉयड किया जा सकता है माइंस के अंदर, अंडरग्राउंड माइंस के अंदर। अगर शाफ्ट सिंकिंग का केस है, मतलब शाफ्ट जस्ट बन ही रहा है, मतलब वहां से तो मैकेनिकल मीन्स या रस्सी के थ्रू किसी तरह भी वो एक्सेस होगा ही अंदर जाने का, या फिर कोई अदर इग्रेस का ड्राइवेज हो रहा है, मतलब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, बन रहा है कोई और एक रास्ता। ऑप्शन नंबर सी आइदर ए और बी, दोनों में से कोई भी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि कोई साफ्ट सिंकिंग का प्रोसेस चल रहा है या फिर अदर कोई रास्ता बनने का डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो इन दोनों केस में क्या होता है, CI साहब जो परमिट कर सकते हैं कि पर्सन जो है अंदर जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि एक तो रास्ता चालू है और दूसरा अभी डेवलपमेंट में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, शाफ्ट का डेप्थ कितना होने पे शाफ्ट में मैकेनिकल मींस से पर्सन आना जाना करेगा। यहाँ पे मैकेनिकल मींस मतलब आप समझिए वाइंडिंग अरेंजमेंट, शाफ्ट बन गया। अब मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि शाफ्ट से भी बहुत सारा तरीका से आदमी अंदर जा सकता है, रस्सी के माध्यम से जा सकता है, लैडर के माध्यम से जा सकता है, और मैकेनिकल मींस यानी वाइंडिंग सिस्टम के माध्यम से जा सकता है, जिसमें क्या होता है एक केज होता है और उससे पर्सन आना जाना करते हैं। तो कितना कितना मीटर होगा डेप्थ, तो वहां क्या होगा पर्सन मैकेनिकल मींस यानी वाइंडिंग से आना जाना करेंगे, केज के थ्रू आना जाना करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 0.3 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 300 मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर या उससे ज्यादा जब हो जाता है तब क्या होता है शाफ्ट में मैकेनिकल मींस लगाना जरूरी हो जाता है, उस केस में आप सीढ़ी या फिर रस्सी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं शाफ्ट से आने जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं,
मैन राइडिंग सिस्टम इंक्लाइनेशन कितना होने पे लगाया जाएगा, इंक्लाइनेशन का दूरी कितना हो जाएगा, तब एक मैन राइडिंग सिस्टम आपको पता होगा एक झूला जैसा रहता है जिसमें पर्सन बैठ के अंदर की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बुक में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर एक तरफ से होना चाहिए, दो कंडीशन में लगता है। पहला कंडीशन जब इंक्लाइनेशन जो है, जो दूरी है अंदर जाने का पहुंचने का, वो 1 किलोमीटर से अधिक हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि जब पर्सन को आने जाने में दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, तब 1 किलोमीटर लेंथ से जब ज़्यादा हो जाता है या फिर पर्सन को आने जाने में दिक्कत होता है, तब हम लोग मैन राइडिंग सिस्टम लगाते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये 1 किलोमीटर एक तरफ का दूरी है, ठीक है, आने जाने का दूरी नहीं है, सिर्फ जाने का दूरी है 1 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मैन राइडिंग सिस्टम किसके अप्रूवल का होगा, मैन राइडिंग सिस्टम जो लगेगा उसको अप्रूव कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैन राइडिंग सिस्टम को अप्रूव करते हैं CIM साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर डाउट हो कि मैकेनिकल मींस या मैन राइडिंग का अरेंजमेंट सुटेबल है कि नहीं, तो किसको रेफर किया जाएगा, कौन से पर्सन को रेफर किया जाएगा, CIM को, RIM को, मैनेजर को, या फिर ओनर को, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी पॉइंट CIM को ही रेफर किया जाता है कि मैकेनिकल मींस या फिर मैन राइडिंग सिस्टम का जो अरेंजमेंट है उसमें सारा चीज सुटेबल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अगर शाफ्ट में लैडर यूज हो रही है तो उस लैडर का इंक्लाइनेशन कितना से ज्यादा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 80 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा डायग्राम में समझा देता हूं। देखिए ये एक शाफ्ट है, ठीक है, ये एक शाफ्ट है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लैडर के माध्यम से अंदर जा रहे हैं। तो ये आपका एक लैडर है, ठीक है, ये लैडर है, तो इस लैडर का जो इंक्लाइनेशन है, ठीक है, वो 80 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 80 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 80 डिग्री तक रहेगा तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अगर शाफ्ट में लैडर यूज हो रहा है तो उस लैडर में प्लेटफॉर्म कितने इंटरवल पे लगेगा। प्लेटफॉर्म मतलब आप समझिए कोई स्कूल का, कॉलेज का, या अपने घर का ही सीढ़ी चढ़ते होंगे, तो 6-7-8 सीढ़ी चढ़ने के बाद एक मोटा सा एक प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ पे सीढ़ी का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो वो कितने दूरी पे रहेगा, मोर देन 9 मीटर, नॉट मोर देन 9 मीटर, 9 मीटर, या फिर लेस देन 9 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट मोर देन 9 मीटर। अगर आप इसका आंसर डी सोच रहे थे, लेस देन 9 मीटर, तो डी मतलब हो गया लेस देन 9 मीटर, मतलब 9 मीटर से कम, उसमें 9 मीटर इंक्लूड नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि 9 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 9 मीटर भी इंक्लूड है, 9 मीटर तक आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, शाफ्ट के माउथ से कितना मीटर ऊपर तक लैडर निकला हुआ रहेगा। शाफ्ट का जो माउथ है उसके ऊपर कुछ पार्ट लैडर का, सीढ़ी का निकाल के हम लोग रखते हैं, कितना मीटर। ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 2.5 मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर तक हम लोग मिनिमम क्या करते हैं, शाफ्ट के माउथ से लैडर का जो पार्ट है उसको निकाल के रखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, किस कंडीशन में शाफ्ट के माउथ से लैडर 1 मीटर निकला हुआ नहीं रह सकता, नहीं भी रहेगा तो चलेगा। ऑप्शन नंबर ए शाफ्ट में स्ट्रांग हैंडल दिया है तो, ऑप्शन नंबर बी हैंड रेल लगा हुआ है तो, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ, जब दोनों में से कोई भी एक चीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, शाफ्ट के बाहर लैडर का 1 मीटर पार्ट जो है वो नहीं भी निकला हुआ रहेगा तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, माइंस के दो इंट्रांस के बीच मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अब वो माइंस का दो इंट्रांस कुछ भी हो सकता है, शाफ्ट हो सकता है, जैसा कि आप फिगर में देखिए, ये एक शाफ्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक माइंस का दूसरा जो इंक्लाइन है, तो इन दोनों के बीच मिनिमम कितना दूरी रहना चाहिए, या फिर दो शाफ्ट है या फिर दो इंक्लाइन है, कोई भी दो मोड है माइंस के अंदर जाने का, तो उन दोनों के बीच कितना दूरी रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 13.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 10.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 11.5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 7.5 मीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 13.5 मीटर का दूरी रहना चाहिए किसी भी दो मोड ऑफ इंट्रांस का, माइंस के अंदर जाने का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, मींस ऑफ एक्सेस एंड इग्रेस में सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन किसके अप्रूवल का होगा। एक्सेस और इग्रेस मतलब यहां पे वही हो गया शाफ्ट या फिर इंक्लाइन, वहां पे जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन लगेगा वो किसके अप्रूवल करेगा, उसको अप्रूव कौन करेगा। ऑप्शन नंबर ए CIM, ऑप्शन नंबर बी RIM, ऑप्शन नंबर सी ओनर, ऑप्शन नंबर डी एजेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CIM, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बिलो ग्राउंड में दो शाफ्ट के बीच का वॉकेबल पैसेज का हाइट और विड्थ क्या होगा। क्वेश्चन आप यहां पे समझिए फिगर के माध्यम से,
ये एक शाफ्ट है, ठीक है, जो कहाँ जा रहा है, माइंस के अंदर जा रहा है, और एक ये शाफ्ट है, ये भी माइंस के अंदर जा रहा है। तो इसके नीचे का यहाँ का जो वॉकेबल पैसेज होगा, यहाँ पे जो उतर के आदमी यहाँ से आना जाना करेंगे, इसका हाइट और विड्थ क्या होगा, जिसको हम लोग पास बाय भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1.8, 1.2, ये फर्स्ट वाला जो है ये हाइट है, उसके बाद ये विड्थ है। 1.8, 1.2, 1.2, 1.8, ऑप्शन नंबर सी 1.8, 1.5, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1.5, 1.8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.8 मीटर हाइट होना चाहिए और 1.5 मीटर उसका विड्थ होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो ऑप्शन नंबर मैंने 1.8 और 1.2 दिया है, ये पास बाय का हाइट है, ठीक है, सॉरी बायपास का ये हाइट और विड्थ है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सेस और इग्रेस में कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए टू वे कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी वन वे कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी आइदर दोनों में से कुछ भी, ऑप्शन नंबर डी नन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। टू वे कम्युनिकेशन मतलब जो पर्सन दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सके, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर जो है, जो मतलब वाइंडिंग में है, साफ्ट चल रहा है, वाइंडिंग में ऊपर जो बैंक्समैन है सिर्फ वही कॉन्टैक्ट करे, जो पर्सन अंदर जा रहा है वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, दोनों तरफ से कॉन्टैक्ट रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम। आशा करता हूँ कि आपका रेगुलेशन नंबर 71 अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा, और मैं ये गारंटी लेता कि अगर ये 17 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो इस 17 क्वेश्चन के अलावा इस रेगुलेशन से और कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो आप बने रहिए माइनिंग मिस्ट्री चैनल के साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और यदि अभी तक आपने प्लेलिस्ट पे विजिट नहीं किया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप रेगुलेशन नंबर 70 तक के सारे एमसीक्यू को सॉल्व कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।